Não sou careca de quatro. हर हर महादेव दोस्तों, तिल्दा नेवरा में जितने भी गलियां हैं, जितने भी रोडे हैं, सभी में लोगों का जमावड़ा लग चुका है। जिधर भी आप लोग देखेंगे, लोग ही लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मत आइएगा। ये देखिएगा, तिल्दा नेवरा की जितने भी गलियां हैं, सभी गलियों में आप लोगों को जाम इसी तरह से मिलने वाला है। और छत वगैरह में भी लोग बैठकर यहाँ पर कथा सुनने के लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और जितने भी तिल्दा नेवरा में रोडे हैं, गलियाँ हैं, सभी में लोगों का जाम है। पैर रखने तक का जगह नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में आप लोग आना चाहते हैं, कथा का छठवां दिन है, तो कल के डेट में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मत आइएगा। घर से ही आप लोग कथा सुनिएगा, कथा देखिएगा, क्योंकि व्यवस्था यहाँ का बिगड़ चुकी है दोस्तों। आज छठा दिन है, छठा दिन में ही आप लोगों को ना तो बैठने के लिए जगह मिलेगा, ना तो खड़ा होने के लिए आप लोगों को जगह मिलेगा। आप लोगों को वापस जाना पड़ सकता है। कथा स्थल तो फुल हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कि बहुत से लोग छत में भी बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, और रोड में सब रोड में बैठे हुए हैं। मैं कथा स्थल से दूर में हूँ और यहाँ पर सब रोड में बैठे हुए हैं। रोड भी पूरा जाम है। अगर आप लोग कथा स्थल से रोड तक जाना चाहेंगे तो कम से कम 3 घंटा का समय आप लोगों को लगने वाला है, क्योंकि ये जाम देखिएगा, एक एक करके आप लोगों को जाना पड़ेगा, धीरे धीरे जाना पड़ेगा। बहुत से लोग आ रहे हैं और बहुत से लोगों को जगह नहीं मिल रही है, इसके वजह से उन लोग वापस जा रहे हैं। तो रोड का आप लोगों को मैं नज़ारा दिखला रहा हूँ। ये देखिएगा कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो बहुत से लोग छत में जाकर बैठे हुए हैं, और ऐसी बहुत से अलग अलग जगहों में छत पर जाकर बैठे हुए हैं। जगह तो वैसे भी मिल ही नहीं रही है, तो फिर आसपास में जो छत दे रहे हैं कि चलो बैठ कर देख लो ऐसे करके, तो उनके घर के छतों में जाकर लोग बैठ कर कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं यार। और ऊपर आप लोग देखिएगा तो गाड़ी के ऊपर में भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर आप लोग आना चाहते हैं ये देखिएगा, और यहाँ से सुन ही सकते हैं, देख तो सकते नहीं, क्योंकि पंडित जी तो वैसे भी मुख्य पंडाल के अंदर में रहेंगे, इन लोग सब बाहर में हैं। यहाँ ना LED लगी है, ना कुछ नहीं लगी है, ये देखिएगा। और ये गाड़ी सबको बाहर में रखना चाहिए था यार, ताकि यहाँ पर लोग बैठ भी तो सकते थे कम से कम। और ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से नज़ारा है। जितने भी पंडाल हैं वो तो पूरा पहले से फुल ही था, और बाहर में भी जितने भी जगह थी वो सब फुल हो चुकी है। और जगह बहुत ही ज़्यादा कम पड़ गया यार, बहुत छोटा ये मान के चल सकते हो अब। ठीक है, पहले लग रहा था कि ठीक है हो जाएगा ऐसे करके, लेकिन अब देखोगे ना तो जगह जो है कि बहुत छोटी लगने लग गई है। और लगातार अभी भी लोग आ रहे हैं, और बहुत से लोगों को आप लोग देखिए कि गाड़ी में बैठ कर देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ से पंडाल दूर में है, फिर भी क्या करेंगे, आए हैं तब तो सुन के जाना ही है। तो देखिए सभी लोग बाउंड्री वॉल में बैठे हुए हैं, और यहाँ से पंडाल का तो पता ही नहीं है, क्योंकि रोड है ये, और रोड में ही यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं ताकि चलो देखें, नहीं कम से कम सुनाई दे देगा। दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आप लोग कल के डेट में कथा के अंतिम दिवस में देखने के लिए सुनने के लिए आना चाहते हैं तो मत आइएगा साथियों, घर से ही आप लोग सुनिएगा, श्रवण करिएगा, देखिएगा TV में। यहाँ आएंगे हो सकता है आप लोगों को वापस जाना पड़ जाए, जैसे कि आज हुआ है। बहुत से लोगों को रेलवे स्टेशन में ही रोक दिया गया है, और वहाँ से वापस उन लोगों को भेज दिया गया है। बहुत से लोग जो बाइक वगैरह कार वगैरह से आए थे, उन लोग यहाँ तक पहुँचे तो, लेकिन यहाँ से उन लोगों को भी वापस जाना पड़ गया,
क्योंकि कथा पंडाल पूरी तरह से फुल हो चुका है। इसके अलावा जितने भी रोडें हैं, जितने भी गलियां हैं दोस्तों, सभी फुल हो चुकी है। तो ऐसे में आप लोगों को बैठने के या खड़ा होने के लिए भी जगह आप लोगों को शायद ही मिलेगा। अगर आप लोग कल के डेट में 9-10 बजे तक पहुंचते हैं तब की बात है। अगर आप लोग सुबह से आना चाहते हैं 7-8 बजे, 5 बजे, 6 बजे पहुँच गया है तो हो सकता है आप लोगों को कथा स्थल के बाहर में बैठने के लिए जगह मिल सकता है। तिलदा नेवरा की अलग अलग गलियों को मैं दिखला रहा हूँ कि किस तरह से माहौल है। यहाँ आप लोग देखिएगा तो बाइक और कारों की यहाँ पर जमावड़ा लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बाइक इस गली में भी है दोस्तों, ये देखिएगा। और इसी तरह का हाल है अलग अलग गलियों का भी है, मैं कुछ ही गलियों का नज़ारा आप लोगों को दिखला रहा हूँ। इसके अलावा आप लोग देखिएगा तो ये देखिएगा लोगों का आना जाना चालू है अभी भी, और कथा चालू होने में अभी कुछ टाइम है और कथा स्थल में तो जगह है ही नहीं। तो ये देखिएगा, इस तरफ देखिएगा लोग अभी भी लगातार आ रहे हैं साथियों, और जाएंगे इन लोग और बहुत से लोग तो रिटर्न ही हो जाएंगे क्योंकि जगह ऐसे भी वहाँ पर नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप लोगों को मैं लगातार नज़ारा दिखाने का प्रयास कर